शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं, खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन का खोजा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावई सेवा, जिनके असाचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। शिव जी कहते हैं जो निशाचर है उसको हमेशा चिंता रहती है। निशाचर, निशा माने रात और चर माने चरने वाला, चरने मतलब विचरने वाला, रात यानी अंधेरा, अंधेरा यानी अज्ञान। जो अज्ञान की घोर रात्रि में विचरण करता है, अर्थात जिसके आचरण अज्ञानता से संपन्न होते हैं, वो निशाचर होता है और उसके जीवन में हमेशा दुख रहता है। यहां बहुत से प्रिंसिपल भी बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, पुजारी बैठे हैं, उनको व्यासवादी धन्यवाद दे रही है। और यहां बहुत से शराबी और जुआरी भी बैठे हैं, उनसे व्यासवादी दक्षिणा में उनकी बुराइयां मांग रही है, बुराइयां दे दो। आत्मा का स्वरूप अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जो कुछ मिला है जन्म लेने के बाद मिला है, और जो कुछ छूटेगा जीवन में छूटना शुरू होगा, मृत्यु के बाद सब छूट जाएगा। विचारक कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर तुम आते हो और हाथ पसारे भी संसार से जाते हो, पर मैं कहता हूं हाथ भी साथ नहीं जाते, ना हाथ पसारे ना हाथ बंद किए, हाथ भी यहीं रह जाते, फिर भी तुम्हारे साथ में कुछ जाता है। तुम्हारे साथ में क्या जाता है? जो जाता है वो तुमको दिखता नहीं, और साथ में कुछ आता भी है। जो लोग कहते हैं यहां क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओ, मैं तो कहता हूं बहुत कुछ लेकर आए हो और सब कुछ लेकर जाओ, लेकिन गठरी बांध कर नहीं जाओगे पर लेकर जाओगे। कैसे जाओगे? संस्कार, पाप और पुण्य के संस्कार आपके साथ में आते भी हैं और जाते भी हैं। इसलिए कभी कभी तुम कहते हो कि इस जन्म में मैंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन शुरू से ही दुख ही भोग रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप के संस्कार लेकर आया, इसलिए शुरू से ही दुख भोग रहा, वो पूर्व जन्म के कर्म का भुगतान हो रहा है। और कभी कभी तुम ये भी कहते हो कि हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, लेकिन शुरू से ही सुख प्राप्त कर रहा है। तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर चुकी है, पुण्य कर चुकी है, धर्म कर चुकी है, इतना दान कर चुकी है कि वो सब पुण्य की गठरी साथ में आई है, उसी का आज तुम आनंद उठा रहे हो। लेकिन जो जोड़ जोड़ कर यहां रख रहे हो ना, ये साथ नहीं जाएगा। जो तुम सोचते हो अपने बेटों के लिए जमा कर देंगे, बेटों के बेटों के लिए जमा कर देंगे, बेटों के लिए अगर जमा करना है तो संस्कार, सभ्यता, शालीनता, सौम्यता की पूंजी उनके पास में जमा करो। अपने बेटों को कितना तुम धन दे दो, यदि अच्छे संस्कार नहीं दिया है तो आपके बेटे अधिक धन पा करके अधिक सत्यानाश हो जाएंगे, खूब शराब पिएंगे, खूब जुआ खेलेंगे और बॉम्बे से हीरोइन बुलाएंगे,
ये राजगढ़ की कोई लेडीज पसंद ही नहीं आई, बॉम्बे वाली पूरा पागल दीवाना बनकर घूमेगा, फिर गीत गाएगा, कोई मुझे दीवाना कहता है, कोई मुझे भैंस कहता है। एक कवि गाता है कि कोई मुझे दीवाना कहता है और कोई पागल कहता है, अब मैं तुझे भैंसा कहता हूँ, बेवकूफ कहीं का। कोई क्यों कहता है, तू होगा ही दीवाना पागल, कोई कहता है, ये भी नहीं पता कौन कहता, बताते कोई कहता है, तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ, पागल हूँ कि दीवाना हूँ कि परवाना हूँ कि भैंसा बना घूमता हूँ। किसी के रूप और सौंदर्य पर जो दीवाने हो जाते हैं वे लोग अपनी इस अमूल्य जिंदगी को दुख के कुएं में ढकेल देते हैं, क्योंकि जिस रूप और सौंदर्य को देख करके तुम्हारे मन में पागलपन पैदा हुआ है, रूप और सौंदर्य ही स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। आज जो सुंदर दिख रहा है 10 साल के बाद वही व्यक्ति बंदर जैसा दिखाई देने लगता है, इसलिए इस क्षणभंगुर रूप पर भी मोहित मत होना। और दो चीजें मनुष्य को बहुत खतरनाक घसीटती हैं, ऐसा घसीट घसीट कर दुर्दशा करती है, एक तो सुंदर रूप और दूसरी रुपया। रूप और रुपया, रुपया जब किसी को देना पड़ता है तो ऐसे लगता है कि रुपया क्या निकला है, जान ही निकल गई है। हाँ, ये रुपया भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये तो धन्य है चाठा जागीर की धरती, जहां के लोगों ने सत्संग समागम के लिए रुपया निकाला है, निकाला है, और सबने निकाला है, सबने निकाला है। गरीब हो, अमीर हो, मीडियम हो, कोई भी हो, जिसकी जो सामर्थ्य थी, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 1,000, कोई 500, मुझे पता नहीं, लेकिन निकाला है, और उसी रुपया से ये व्यवस्था ये सब हुई है। मैं तो कहूंगा ये रुपया किसी के साथ में ना आया है ना साथ में जाता है, ये बीच में ही मिलता है और बीच में ही छूट जाता है। लेकिन ये रुपया का आकर्षण अगर बहुत ज्यादा है तो ये रिश्तों को भी बिगाड़ देता है, ससुर और दामाद में दूरियां हो जाती है, पति और पत्नी में दरार हो जाती है, सासू और बहू में तकरार हो जाती है, पिता और पुत्र में एक दूसरे के लिए बोलचाल बंद हो जाती है। इसलिए पैसे को उतना महत्व मत देना जितना कि आपस के प्रेम को महत्व देना चाहिए। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आपको दहेज में कुछ मिले न मिले, पर दहेज में अगर सुंदर स्वभाव की पत्नी मिली है, सुंदर स्वभाव, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर स्वभाव, और चेहरा भी सुंदर हो तो और अच्छी बात, कोई बात नहीं, पर सुंदर चेहरे की पत्नी हो या सुंदर चेहरे का पति हो, उसको बचाना बहुत पड़ता है, उसके लिए ज्यादा खतरा है। इसलिए थोड़ा बदसूरत हो तो चाहे जहां छोड़ दो, सुरक्षित वापस आ जाए। अब सब स्त्रियां खुश है कि हमको अगर बदसूरत पति मिले तो अब शादी कर लूंगी, लफड़ा खत्म, अब बदसूरत वालों की बाजी लग गई है। और बदसूरत वह नहीं है जिसका चेहरा सुंदर नहीं, बदसूरत वह है जिसका चरित्र सुंदर नहीं है, स्वभाव सुंदर नहीं, विचार सुंदर नहीं, वो सबसे ज्यादा बदसूरत होता है। सबसे सुंदर वह है
जिसका चरित्र सुंदर है, विचार सुंदर है, अंदर का भाव सुंदर है, कर्म सुंदर है, व्यवहार सुंदर है, और मैं ये भी निवेदन करूंगा आपसे कि जहां परमार्थ के कार्य हो रहे हों, सबसे आगे बढ़ करके तन मन धन अन्न समय बुद्धि वहां दान कर देना, बुद्धि भी दान देना चाहिए, क्योंकि